तो हेलो गाइस, हम आ चुके एक नए वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है करिश्मा XMR पे होने वाली है, जो कि बिल्कुल अभी लॉन्च हुई है। तो उस पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वो सब बताएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कलर स्कीम की। तो उस कलर में आपको एक येलो, रेड एंड ब्लैक कलर का ऑप्शन मिलेगा। तीनों के तीनों कलर, कोई प्राइजिंग डिफरेंस नहीं होगा। वो दोनों के सब कलर आप जो भी पसंद हो वो ले सकते हो। प्राइजिंग की हम एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इंजन आपको 210cc का इंजन मिलेगा, लिक्विड कूल 25 BHP मिलेगा, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगी, और इसमें आता है आपको ABS, और ABS के साथ आएगी जो कि बहुत ही ड्यूअल चैनल ABS आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। और इसमें आपको ड्यूअल डिस्क ब्रेक भी मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी सीट हाइट की। तो सीट हाइट करीब करीब आपको 810mm की आपको सीट हाइट मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी है। और अभी हम बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसके 160mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेंगी, जो बहुत ही अच्छी बात है, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। तो अगर हम बात करेंगे इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो जो इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी वो है 11 लीटर की। इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें हम क्लच की बात करेंगे तो आपको इसमें मिलेगा स्लीपर क्लच, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें आपको मिलता है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और फ्रंट की अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है फुल्ली LED सेटअप, जो कि फ्रंट में हमें जो DRLs मिलते हैं वो भी आपको LED में मिलेंगे। और इसमें आपको ड्यूअल प्रोजेक्टर का ऑप्शन आता है, और प्रोजेक्टर में हमें आपको मोड मिल जाते हैं डे एंड नाइट मोड, जो कि आप नाइट मोड में रखोगे तो आपको डे में आपका जो फुल डिपर है वो ऑफ हो जाएगा, जो कि वो कार वाला फीचर से मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर हम दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है एडजस्टेबल वाइजर, जो कि आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम इसके दूसरे जो फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है जो गियर इंडिकेटर है वो नॉर्मल बाइक में आपको खाली बताता है कि कौन से गियर में, पाँचवें में, छठे में, उस तरह से इसमें गियर बताता है, वो वाला नहीं। अगर आप इसमें आपको स्लो स्पीड पे है, अगर आपको गियर अपने अप गियर है और आपको स्लो स्पीड में है तो आपको दिखाएगा कि गियर डाउन कीजिए, और अगर आपको हाई स्पीड में है और आपको नीचे गियर है तो आपको बताएगा कि गियर अप कीजिए, वो वाला फीचर इसमें है, जो कि कार में आता है और दूसरा इस बाइक में आता है। तो देख सकते हैं इसके जो मिरर्स आते हैं वो भी आपको जो KTM की तरह जो ऊपर से फोल्ड होते हैं, इस तरह से इसके मिरर्स आते हैं, जो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। अगर आप फोल्ड करके देखेंगे तो बहुत ही अच्छी लुक आएगी। अगर हम सीट की बात करें तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट आती है इसमें, आपको कोई भी वो नहीं लगेगा, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें तो आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, जो कि अपसाइड डाउन नहीं मिलेंगे, वो भी आपके नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे। और आपका फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको 300mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और 17 इंचेस का अलॉय मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि सब बाइक में मिलता है उतना ही आता है 17 इंचेस का अलॉय व्हील 300mm की डिस्क ब्रेक। फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको 300mm की मिलेगी, और आपको अपसाइड डाउन फोक्स नहीं मिलेंगे। अगर हम रियर की बात करें तो रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा, 6-way एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलेगा, जो रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन आता है वो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम जो इसके रियर की बात करें टेल लाइट की, तो आपको फुल्ली LED टेल लाइट मिलेगी। और इंडिकेटर की बात करें तो फुल्ली आपको LED इंडिकेटर मिलेगा, जो कि हमें KTM के देखने को मिलते हैं, जो वो उस तरह से इसके इंडिकेटर आएंगे, जो कि लुक में बहुत ही अच्छे लगते हैं इस बाइक पे। तो अभी हम इस पे लास्ट में हम आपको सुना देंगे इसका एग्जॉस्ट साउंड भी, कि कैसा इसका एग्जॉस्ट साउंड है। और इसके इंजन की जो हमने बात की, जो 210cc का लिक्विड कूल ड्यूअल कैंसा वाला इसका इंजन आता है, जो कि बहुत ही अच्छी आपको परफॉर्मेंस देगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं एग्जॉस्ट साउंड।